नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर नरवर से मिल रही है, जहां नरवर से जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर में पहुंचकर संवाददाता धर्मवीर सिंह कुशवाहा के द्वारा डॉक्टर श्री आर आर माथुर के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण कोविड 19 के विषय पर कुछ जानकारी ली है। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर आर आर माथुर जी। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते अपना ये कितने मरीज आए हुए हैं यहाँ पे नरवर में? बाहर से जो लेबर आ गया 2000 से ऊपर हो गया। 2200 के लगभग मतलब लोग आ चुके हैं यहाँ से। तो मैं समय 25 लोगों का सैंपल भी कराया, सभी के सैंपल भी टेस्ट कराया कोरोना वायरस का, सब नेगेटिव आया। ये कौन कौन से जिले से आए हुए हैं सर? हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सांगली से ज़्यादा, महाराष्ट्र सांगली में मतलब प्रॉपर महाराष्ट्र से भी आए हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा और जयपुर बीकानेर, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जिले से आए, दिल्ली से भी आए। अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया? नहीं, कोई पॉजिटिव। जैसे कि अब नया कोई पेशेंट है जांच के लिए? हाँ नहीं, पेशेंट कोई नहीं है हमारे पास में। जो लोग बाहर से आए हैं, हॉटस्पॉट है, जैसे अपने प्रदेश की बात करें, भोपाल है और इंदौर है, खास उज्जैन है, खरगोन है, देवास है, इन जिलों में ज़्यादा मतलब वायरस का प्रकोप है, महामारी का। तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं तो उनको एहतियात के तौर पर पहले जांच करा रहे हैं, उसके बाद उनको 14 दिन की होम क्वारंटाइन पर भी रख रहे हैं, जिससे कि यदि उनमें कहीं पॉजिटिव के लक्षण हैं तो दूसरे लोगों को ना एक्सपोज करें, इसलिए हम उनके सैंपल लेकर के जांच करा रहे हैं। जैसे कि नरवर में सर, जो अपने नरवर शहर है जी नगर में, तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग को चेकअप हुआ है क्या अभी? हाँ, काफ़ी लोगों का, दो का तो कल ही कराया था, बहुत काफ़ी लोगों का हुआ है। नरवर में 3-4 लोगों का हो चुका है, और किसी में भी कोई इस तरह के हो नहीं। और गाँव से सर? हाँ, गाँव से ही हो ना, 25 में से ज़्यादातर सभी गाँव के हैं। इंदौर से आए हुए कुछ लोग हैं, 4-5 लोग इंदौर से आए, वहाँ के हो गए हैं, भीलवाड़ा वालों का हुआ है, ठीक है, और एक कल भोपाल वाला भेजा था, कल ये भोपाल का भेजा था, कल एक नरवर में जो आया इंदौर से उसका भी भेजा था। नरवर में कौन आया सर इंदौर से? नरवर में उसका नाम तो मेरे पास नहीं है, पर कल आया था एक लड़का था, उसका नाम था, हाँ, गिरिराज नाम का लड़का था, वो नीरज नाम का लड़का था, और वो 20 साल का है, करीबन वार्ड नंबर दो में। जैसे कुशवाहा? अच्छा, कुशवाहा है सर। और आज सैंपल वगैरह कुछ जाएंगे सर? आज 4 सैंपल हैं, जो 4 लोग भीलवाड़ा से आए हुए हैं, और उनके नाम हैं, 4 लोग हैं मतलब आज जो भीलवाड़ा से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से सांगली से, 4 लोग जो आए महाराष्ट्र के सांगली से आए, उनका जो सैंपल मेरे कराने के लिए कागज बन गए, गाड़ी आ रही है, उस समय आधा घंटे। सर, आपके द्वारा लोगों से अपील के लिए आप क्या कह सकते हैं? मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आवश्यक काम पड़े तभी मतलब जो घर से बाहर निकले, घर में रहें, और अपने घर में रह के कोरोना का मतलब जो फाइटिंग करें, और घर पर जब भी घर से बाहर निकले तो घर मास्क जरूर बांधें, मास्क नहीं हो तो कपड़ा, कुछ भी कपड़ा हो उस पर जरूर मुँह पर ढक करके निकलें, और अपने हाथों को बार बार जल्दी जल्दी से धोएं, लोगों से अभिवादन करें, नमस्कार करें, हाथ किसी से ना मिलाएं, गले ना लगाएं, बाहर से कोई आता है तो हमें तत्काल उसकी सूचना दें, उसका परीक्षण करें, घबराएं नहीं कि कोरोना मतलब महामारी आ गई है तो हमें बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सावधानी कोरोना से लड़ने का ये तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में 1 मीटर की दूरी से लोगों से बात करें, मास्क रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मेरा यही लोगों से निवेदन है। वही